हरिओम नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा फिर से हमारे यूट्यूब चैनल श्री गंगा ज्योतिष में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों की तरफ से जो लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देरी हो जाए लेकिन सभी का जवाब अवश्य दिया जाएगा। आज हम एक प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारे पास एक प्रश्न आया जिसमें पूछा गया कि गुरुजी मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही क्यों मनाई जाती है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो ज्योतिष की गणना है वो चंद्रमा के आधार पर है, जिसके अंतर्गत हमारा जो वर्ष है वो 365 सही 1/4 दिन का होता है। लेकिन जो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर है उसमें हम 365 दिन ही रखते हैं, जिससे कि हम एक वर्ष में 1/4 दिन पीछे हो जाते हैं। इस तरह 4 वर्षों में हम पूरा 1 दिन पीछे रह जाते हैं और उस 1 दिन को बढ़ाने के लिए हमें लीप ईयर बनाना पड़ता है, जिसे अधिक वर्ष कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मकर संक्रांति तो अपने सही जगह पर है लेकिन कैलेंडर के पीछे रह जाने की वजह से एक वर्ष मकर संक्रांति 15 जनवरी को आती है और जैसे ही हम 29 फरवरी वाला दिन बढ़ाते हैं, अधिवर्ष लीप ईयर बनाते हैं, तो फिर से मकर संक्रांति 14 जनवरी को आने लगती है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो आगे का वीडियो होगा वो नौकरी एवं व्यवसाय या व्यापार में चल रहे घाटे से हम कैसे निवृत्त हों, उस घाटे को हम कैसे दूर करें और किस प्रकार नौकरी या व्यापार में सफलता मिले, इस विषय पर, इन समस्या के उपाय पर हम चर्चा करेंगे। और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों का सहयोग बना रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जाएगा और हम आपके साथ मिलकर ज्योतिष एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां सभी तक पहुंचाते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे, देखते रहिए, सुनते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल श्री गंगा ज्योतिष। धन्यवाद।